क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? स्टोरी राइटिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कथा या कहानी लेखन। तो आपके एग्जाम में जैसे अगर कुछ हिंट्स दिए होंगे बच्चों का, मुझसे कहना था कि सर स्टोरी पे एक बनाइए वीडियो, ये स्टोरी सर कैसे लिखते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए जैसे मान लीजिए आपका हिंट्स दिया हुआ है कि एक क्रो, बहुत ही छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और ये कहानी आपको पता भी है। एक क्रो डैश, मान लीजिए हिंट है, ये हिंट दिया हुआ है, एक क्रो डैश थर्स्टी डैश सर्च ऑफ वाटर डैश ए पॉट डैश लेस वाटर डैश एन आइडिया डैश पिक्ड स्मॉल स्टोन्स डैश वाटर्स लेवल केम अप डैश ड्रैंक वाटर डैश फ्लू अवे। अब आपका ये जो है ये एग्जाम में आपका हिंट दिया हुआ है, ठीक है। एक रो एक कौवा डैश थर्स्टी प्यासा डैश सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश डैश ए पॉट एक घड़ा डैश लेस वाटर कम पानी डैश लगा हुआ है एन आइडिया एक विचार, फिर है पिक्ड स्मॉल स्टोन्स छोटे पत्थर उठाया, फिर है डैश के बाद वाटर्स लेवल केम अप पानी का स्तर ऊपर आया, फिर डैश है ड्रैंक वाटर पानी पिया, लास्ट में क्या है फ्लू अवे उड़ गया। अब ये आपका जो हिंट दिया हुआ है इसी हिंट की सहायता से आपको एक स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। कैसे करेंगे हम? आप एक बात याद रखो कि स्टोरी लिखते समय आप याद रखो कि सारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस या पास्ट टेंस के किसी प्रकार में, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट इन्हीं में से होना चाहिए, ठीक है। और कहानी को आप जब लिखना शुरू करेंगे तो कहानी का एक यहाँ पे टाइटल एक कहानी का नाम दे देंगे, ठीक है। ये कहानी कौन सी कहानी है भाई, बताओ भाई कौन सी कहानी है ये, कौन सी ये सर, ये कौन सी ये प्यासा कौवा वाली है ना, तो क्या इसका नाम क्या होगा, कहानी का नाम क्या, थर्स्टी क्रो। तो गिव अ टाइटल, यहाँ पे कहानी का नाम दो थर्स्टी क्रो, ये बहुत ही फेमस कहानी ट्रेंडिंग है, थर्स्टी क्रो प्यासा कौवा। चलिए अब आइए कहानी को हम शुरू करते हैं, लिखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, ये जो है एक तरीका है जो हम हर कहानी में लगा सकते हैं, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम नहीं लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा क्या था, एक कौवा था। शुरू करेंगे, देयर वॉज अ क्रो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, फुल स्टॉप लगा दो। उसके बाद क्या, अब यहाँ लिखा हुआ है थर्स्टी, सिर्फ वो लिखा हुआ है, आप इसको एक वाक्य बना दो, कौन थर्स्टी था, क्रो वाज थर्स्टी, तो क्रो के लिए प्रोनाउन क्या, ही वाज, है ना, ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था, खत्म बात हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, सर्च ऑफ वाटर, हिंट की हेल्प से बनाएंगे, पानी की तलाश में, है ना, इसका मतलब क्या है, एक कौवा पानी की तलाश में घूम रहा था, ही वाज फ्लाइंग, है ना, ही वाज फ्लाइंग क्या, इन सर्च ऑफ, किसके तलाश में, बोलो बोलो, इन सर्च ऑफ वाटर, फुल स्टॉप कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो ए पॉट, यानी कि हम समझ सकते हैं कि घड़ा, उसने एक घड़ा देखा होगा, लिखेंगे ही सॉ ए पॉट, उसने एक घड़ा देखा, कुछ जोड़ सकते हैं यहाँ पे, हम कर सकते हैं कि सडनली कर सकते हैं क्या, सडनली ही सॉ अ पॉट, अचानक उसने एक घड़ा देखा या एकाएक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, फुल स्टॉप।
फिर क्या लिखा हुआ है, लेस वाटर, ठीक है, यानी कि घड़े में पानी कम था। हमको अब ये यहाँ पे लिखना है, तो कैसे बना देंगे, देयर से बनाओ, देयर वाज लेस वाटर, कहाँ पे, इन द घड़े में कम पानी था, ये वाक्य हमने कर दिया कंप्लीट। अब चलिए एन आइडिया, किसको किसको आएगा आइडिया भाई, आइडिया भी कवे को आएगा ना भाई, द क्रो या ही हैड एन आइडिया, कौवे को एक विचार, एक आइडिया है, वो क्या था आइडिया भाई, वो क्या, कि पिक्ड स्मॉल स्टोन्स, ये उसका आइडिया है कि उसने स्मॉल स्मॉल स्टोन्स को उठाए, ही पिक्ड स्मॉल स्टोन्स, उसने जो है पत्थर उठाए, मान लेते हैं कि चोंच से जोड़ देंगे, फ्रॉम हिज बीक, अपनी चोंच से, चोंच को बोलते हैं बीक, उठाएं और कहाँ डाल दिए, घड़े में, इतना अपने मन से कर देंगे, कहाँ डालें, एंड थ्रू या पुट देम इनटू द पॉट, और उसको घड़े में फेंक दिए, डाल दिए, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या हो जाएगा कि वाटर्स लेवल के मतलब पानी का स्तर ऊपर है, देन वाटर्स लेवल कैम अप, पानी का लेवल जो ऊपर आ गया, फिर क्या लिखा हुआ है कि ड्रैंक वाटर, पानी पिया, पानी कौन पिया, द क्रो ड्रैंक, उसने पानी पिया, फिर क्या है, लास्ट लाइन है, फ्लू अवे, तो वो उड़ गया, ही फ्लू अवे, वो उड़ गया, ठीक है ना, ये आपका हिंट था, ये हमने कहानी को कंप्लीट कर दी, और टाइटल के साथ हमने इसका टाइटल, ये तरीका था बच्चों आपको हिंट के द्वारा कहानी पूरा करने का। हमने यहाँ पे हर एक वाक्य देखो पास्ट टेंस में ही रखा हुआ है, हमने किसी को प्रेजेंट टेंस में बनाया नहीं, पास्ट में हमने वाज का प्रयोग किया है, कि हमने पास्ट लगाया कॉन्टिन्यूस, हमने कहीं पर लगाया पास्ट इंडेफिनिट, है ना, है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट हमने इसका यूज़ किया है। सो ऐसे ही गाइज आप और भी हिंट्स को देख करके अब स्टोरी बनाइए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।